हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने फ्रेंड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम फ्लावर और विंटर वेजिटेबल की एक साथ सीडलिंग करेंगे। ये देखिए, ये अलग अलग टाइप के कैलेंडुला है, ये ऑरेंज है और ये येलो है। ये है पैंसी, ये है डेमोरफोटिका, ये कॉलीफ्लावर और पी। इनकी हम आज एक साथ सीडलिंग करेंगे और मैंने पहले से इसकी टैगिंग कर रखी है। तो हम सीडलिंग स्टार्ट करते हैं। ये कैलेंडुला के बीज हैं, जो ऑरेंज कैलेंडुला है उनके ये बीज हैं। इनको हम दो दो लगाएंगे। सीडलिंग ट्रे में मैंने जो मिट्टी है वो नॉर्मल बालू रेत यूज़ की है। एक रो में मैंने ऑरेंज कैलेंडुला के जो सीड्स हैं वो लगा दिए। अब सेकेंड रो में हम दूसरे लगाएंगे। आप दो दो लगाते जाइए, अगर एक जर्मिनेट नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा उसकी जगह। जो अच्छे सीड हो वही आप लगाएं। अब हम पेंसी की सीडलिंग करेंगे इस वाली रो में, जो मैंने टैगिंग पहले से लगा रखी है। पेंसी के सीड्स काफी बारीक होते हैं। हम स्प्रिंकल कर देंगे इनको जस्ट। सीडलिंग ट्रे का एक बेनिफिट ये होता है कि जब सीडलिंग तैयार हो जाती है और हम सीडलिंग को निकालते हैं तो सीडलिंग डैमेज नहीं होती। अब हम डेमोरफोटिका के सीड्स लगाएंगे। इसके सीड्स ऐसे होते हैं। जस्ट दो दो सीड्स हम लगा देंगे।
अब हम कॉलीफ्लावर के सीड्स लगाएंगे। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर के सीड्स एक जैसे होते हैं दिखने में, और इनके ऊपर जो ये रेड रेड जो है वो केमिकल लगा हुआ है ताकि लॉन्ग टाइम तक हम सीड्स को स्टोर रख सकें, कोई फंगस ना लगने पाए। अब लास्ट वाली रो में हम मटर की सीडलिंग करेंगे। ये देखिए, ये वाला मटर स्वस्थ नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। इसकी जगह अच्छा जो सीड है वो आप लगाइए। अच्छे सीड से ही अच्छी हम प्लांट्स ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मिट्टी की लेयर करेंगे। जो बारीक सीड है उनके ऊपर आपको बिल्कुल हल्की हल्की जो लेयर है वो करनी है, और बड़े सीड पर आप आधा इंच तक आप लेयर कर सकते हैं। मैंने इन दो रो में ऊपरी लेयर कर दी है मिट्टी की, और बाकी की जो रो है उनमें मैं जो मिट्टी की लेयर करके आपसे मिलता हूँ। हमने सीडलिंग ट्रे की सभी रोज में मिट्टी की ऊपरी लेयर कर दी है, अब हम इसमें पानी देंगे। पहली बार में अच्छे से पानी देना है। फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, मटर में आपको बिल्कुल थोड़े से थोड़ा पानी डालना है। जब उसको रिक्वायरमेंट हो तभी उसमें आपको वाटरिंग करनी है, नहीं तो आपका जो मटर का प्लांट है वो खराब हो जाएगा। आज 3 नवंबर है और हम देखते हैं ये कब तक बड़े होते हैं। इसकी अपडेट वीडियो के साथ मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।